बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आफ्ताब अहमद ताबी हाज़िर हैं और मेरे साथ जो नौजवान, मैं तो नौजवान कहूँगा क्योंकि नौजवान वो होता है जो मैदान में कुछ करके दिखाता है, उमैद आसिफ पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सुपरस्टार बॉलर साबित हुए और पीएसएल से के से शुरू होने से पहले कुछ जानता भी नहीं था कि ये उमैद आसिफ है कौन। उम्र इनकी 30+ है मगर जज्बे इनके 16+ हैं और आज का इंटरव्यू स्पेशली वो नौजवान ज़रूर देखें जो फेसबुक पर बैठकर ही सब कुछ बनना चाहते हैं। वो फेसबुक पर बैठकर मुल्क के टॉप सियासतदान बनना चाहते हैं, वो फेसबुक पर बैठकर मुल्क के बेहतरीन बैट्समैन ऑलराउंडर बनना चाहते हैं और हमें एक मैसेजेस आते हैं कि जी मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कैसे जा सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में कैसे जा सकता हूँ। तो नौजवानों का ये जो रुझान है सिर्फ फेसबुक पर बैठकर सब कुछ करने का ठीक नहीं है, उनको मैदान में आना पड़ेगा। तो उमैद आसिफ से पूछते हैं कि उनका सफ़र कितना आसान रहा और इस सफ़र में उन्होंने क्या क्या सोचते बर्दाश्त की, क्या क्या मेहनतें की। अस्सलाम वालेकुम उमैद, कैसे आप? उमैद, जैसे मैंने कहा कि ये पीएसएल जो स्टार्ट इस साल हुई उससे पहले तो कोई आपको जानता भी नहीं था, आप हैं कौन, कुछ सेटबैक्स ऐसे हुए कि जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, लेकिन उसने दिल नहीं छोड़ा, मेहनत नहीं छोड़ी और बस ये सोचा कि काम तो यही आता है, करना ही है तो फिर बैठ के क्लब क्रिकेट स्टार्ट की थी 22 में, उस टाइम जब क्लब स्टार्ट किया तो आप सबके पास मेरा जवाब तो यही था कि अभी भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेहनत करूँगा इंशा अल्लाह। तो बस वही इसी में मेहनत करता रहा, 3 साल लगे फर्स्ट क्लास में आने में, लेकिन 3 सालों में मैंने क्लब क्रिकेट में काफ़ी कुछ सीखा क्योंकि मेरे मेरे चाचू के खेलते थे, उससे पहले मेरे क्या नाम है, अच्छा से वो टेस्ट नहीं खेले, अच्छा और मेरे भाई, अपने बड़े भाई जो हैं वो UAE से कराची खेल चुके हैं, अच्छा। तो बस उन्होंने मतलब नवा सब यही कहा कि जब तक अपने चाचू की तरह ना शुरू हुए तो वो दो बाउंड्रीज नहीं होने देते, तो आप लोगों को पहले भी दो बाउंड्री होते हैं, तो वही सोचा, वही सोच के फिर मेहनत करता रहा। तो फिर जब तीसरे साल जाके समझ आई कि किस तरह मेहनत करनी है, तो तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की नज़रों में आया और बाबा ने सेलेक्ट किया। उसके बाद रखा हुआ था कि इंशाल्लाह 25 साल की उम्र से, यार मुझे किसी ने बताया था कि आपको पदाइश से ही एस्थमा की प्रॉब्लम, एस्थमेटिक पेशेंट का क्रिकेट में आना, और फिर क्या आपने एस्थमा को शिकस्त दी या एस्थमा ने आपको शिकस्त दी? ये सारे सवाल नौजवानों मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एस्थमा छोटे आपको आप इम्यून सिस्टम आपका, अगर आप बैठे रहो तो आपका इम्यून सिस्टम ढीला होता है, तो उसी वजह से भी मैं एथलीट भी था स्कूल में भी कॉलेज में भी रहा, तो लेकिन जब इधर आया कंपनी शुरू की तो तब भी मुझे सर्दियों में होता था पता, तो लेकिन मैंने उसके लिए फिर मतलब ज़्यादा मेहनत की कि मतलब जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज में रहती है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और आप उसके अच्छा बीमारी कवर कर सकते हैं,
बड़ा अलहमदिल्ला जब अभी भी जब मैं अगर बैठ जाऊँ सप्ताह 10 दिन रेस्ट कर लूँ तो आपको क्रिकेटर थोड़ा सा क्रिकेट खेल ले तो वो मैट्रिक भी पास नहीं करता। उस नौजवान ने ACCA किया हुआ है एंड दैट्स अ बिग डिग्री। बड़े खतरे की तरह अलहमदिल्ला वालिद साहब का बिजनेस तो अच्छा है तो इसका मैं लेकिन क्रिकेट के बेच देंगे ना तो जब मैं क्रिकेट में आया तो मैंने पहले तो जब मैं जब एक साल में मुझे पता है मैं कर सकता हूँ क्योंकि जब आप देखते हो आप फीडबैक देखते हो दूसरे लोगों का कोचेज का सिलेक्टर्स का तो आपको अपने आप के बारे में भी पता चलता है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ वो नहीं समझ रहे थे क्योंकि अब अपनी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े जो हैं उनको यही होता है कि बस वो आपके जो बच्चा है उसको बस अपनी जो पढ़ाई में सिर्फ डाल दें या कोई भी उनके लिए जो खास इंडस्ट्रीज हैं लाइक डॉक्टर बनाना है इंजीनियरिंग बनाना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो उनको उस दिन में वही है लेकिन उनको अब ये नहीं समझ आती कि क्रिकेट की एक कोर्स है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये इंडस्ट्री अब तो कबड्डी ली फुटबॉल ली लीगो लीग हो गया पक्का बिल्कुल वो अब लेकिन बड़ों को ये समझना चाहिए कि अगर आपका बच्चा जो है इंटरेस्ट है उसको वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है तो आप उसको सपोर्ट करें क्योंकि आप जो बच्चे का जिसमें आपका दिल नहीं है ना आप उस पर एक्शन नहीं कर सकते तो आपको जो आपको पसंद है जो चीज़ आप उसको अगर अपना पेशा भी बना लें तो वो आप इसलिए पेरेंट्स के लिए भी ये अपने जाती अखराज पूरे करने के लिए शायद एक दफ़ा पेज भी बनाया था बेचने के लिए क्या ऐसा था सीन था क्या वो सीन था वाकई बड़े सर बस वो फिर वालिद साहब ने मतलब हाथ धो दिया उनका अपना तरीका था वापस आने के लिए कहीं शायद लेकिन मैंने मैंने पढ़ाया भी मैंने कॉल सेंटर में जॉब की रात को कॉल सेंटर जॉब करता था फिर सुबह मैं ट्रेनिंग करता था और फिर जब क्रिकेट में आ गया था तो बैन हो गया था तो उसके बाद से ऑब्वियसली आपके पास जॉब ही नहीं है आपकी कोर्स ही नहीं है तो घर में काफ़ी हालात जो समझते हैं कि सब कुछ बस ट्विटर पे ही है फेसबुक पे ही है ग्राउंड में कुछ नहीं है ये सारा कुछ इनको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ तो आप हेजिटेशन फील नहीं कर रहे उसके बाद फिर मैंने जब नहीं कुछ हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन कोशिश करता हूँ कि किसी तरह ऑनलाइन लेंस सेल करने वाला रोटी पानी चल रही है फेसबुक पे मैंने स्टार्ट किया लेकिन उसमें भी नहीं हुआ फिर मैंने वो भी छोड़ के मैंने कहा कि नहीं क्रिकेट ही है तो क्रिकेट में करना है तो ग्राउंड में टाइम था तो फिर टाइम ऐसे भी आए थे कि कहीं पे मतलब ट्रेनिंग के लिए जाऊँ तो घर में समझ लें कि खाना स्नैक्स इनका नहीं बन सकता था लेकिन मैंने अल्लाह की तरफ से वो मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए था कि अल्लाह मुझे सिर्फ इस इम्तहानों में इसलिए डाल रहा था कि देखे कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि आगे जो मुझे जाना चाह रहा है बस मैंने यही सोच के बस मेहनत करता रहा और हर यही सोचा कि हर मुश्किल के बाद तो आप पेशावर ज़रमी का कैसे पहुँच गए क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर तो पहुँचने के लिए बंदे को बड़े तगड़े रेफरेंस चाहिए बंदे की बड़ी बैग चाहिए कैसे पहुँच गए पेशावर ज़रमी मैंने शुरू से इंटरव्यू में ये सोचा है कि सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह की है और किसी की कोई सिफारिश अल्लाह और मेहनत तो मैंने
मेहनत की ऑब्वियसली मेहनत, आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ने क्या आपकी सिफारिश कर दी। तो वो बस मेहनत करता रहा और मेन हमारा काम ग्राउंड परफॉर्म करना। परफॉर्मेंस के बाद आपकी परफॉर्मेंस खुद बोल दी, आप जब मेहनत करते हो आप जब परफॉर्म करते हो आपकी परफॉर्मेंस खुद बोल दी। वो फिर परफॉर्मेंस इतनी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में कि पेशावर जल्मी पहले भी 21st पिक जब ले रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये था कि फ्रेंचाइज कर लेंगे, नहीं हुआ लेकिन फिर भी दिल नहीं छोड़ा, फिर भी मेहनत करता रहा। अब एंड पे जब इवन जब स्टार्ट होने वाला था स्टार्ट होने के करीब था तो उस टाइम मुझे बस फिर पेशावर के लिए प्लेसमेंट चाहिए 3-4 मैच चाहिए, बस उसी में अल्लाह ने बस पकड़ा। अपना प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड क्लास प्लेयर सामने होते हैं, एक तमाशाइयों का शुरू हो जाता है, ऐसे में पहली दफ़ा कोई इतने बड़े इवेंट में शिरकत करना और उसमें परफॉर्म करना इतना मुश्किल हो गया। और अगर सच बताऊं तो पहली बॉल के अलावा मुझे कोई प्रेशर नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे खेल चुका था, चैंपियंस लीग के लिए खेलते हम क्वालिफायर के लिए, तो क्राउड में खेल खेल के ना आदत हो चुकी है, क्राउड का मज़ा आता है, क्राउड ना हो तो फिर मज़ा उस तरह नहीं आता। तो मुझे कभी भी क्राउड का प्रेशर फील नहीं हुआ। पहली बॉल पर यही था कि शायद ये कुछ थोड़ा डिफरेंट लेवल है, अगर क्या पता क्या हो, लेकिन जब पहली बॉल पर चौका पड़ा तो फिर मैंने कहा हसन अली की जगह आया हूँ तो कुछ करके देना, बिल्कुल ऐसे ही है बस उसी बस दिल नहीं छोड़ा, वो चौका बड़ा है उसमें प्रेशर भी नहीं आया, फिर वो उससे प्रेशर बल्कि ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मैंने जब मैंने सोचा कि जो मैं करता आ रहा हूँ मैं वही करता, तो वही उसी तरह बॉलिंग की और पसंद आई उसने काम। हमने देखा कि आपने दो मैचों में आपने बड़ा टच दिया, आप अपने आपके अपने शर्ट के नीचे सुपरमैन की शर्ट पहनी हुई, तो पता था कि आज उमैद आसिफ ग्राउंड में कुछ करके आए थे। जी वो पहले आयरन मैन की शर्ट है, ये आयरन मैन की है सही, तो मुझे वो कैरेक्टर पसंद है क्योंकि उस ऑब्वियसली है तो कैरेक्टर ही, लेकिन मेरे लिए वो एक माइंड सेट है, माइंड सेट तो वो जिस तरह उस की स्टोरी है कि जिस तरह वो किडनैप हुआ और जैसे उसने अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए या मुश्किल से बाहर निकला, तो वो मेरे लिए समझे कि मोटिवेशन टाइप। मैंने इवेंट से ये शर्ट ली जब मुझे पहली तो मैंने घर में बात करते हैं ना सारे करते हैं, मैं डिफरेंट करूँगा फुटबॉलर की तरह, फुटबॉलर की तरह। वो फुटबॉलर्स तो नीचे नहीं पहनते, वो तो वैसे ही नीचे से, तो मैं कहाँ पर थोड़ा बहुत कमी रह गई कि आप इस दफा भी चैंपियन हो सकते। बस वही एक रॉकी डिफेंस खेले, मैं तो कहा सकता हूँ रॉकी बदतमीज नहीं, तो मेरे ख्याल से उसने बदतमीजी शुरू में ट्राई की थी लेकिन उसकी चली नहीं, उसने फिर प्यार से मारना चाहिए। हाँ क्योंकि शुरू में उसने फोर्सफुली शॉट्स मारने की कोशिश की लेकिन बॉलर्स अच्छे थे, उन्होंने उससे नहीं लगे शॉट, फिर उसने फिर वेट करके शॉट मारा, वेट करता था कुछ टाइमिंग पर करता था शॉट मारा। तो हमने प्लान किया होता रॉकी के अगेंस्ट भी, बस यही था उनकी प्लानिंग हमारे कामयाब, कामयाबी के अगेंस्ट थी हमारी प्लानिंग, रॉकी के थी उनकी कामयाब होगी हमारी नहीं। तो बस लाला जावेद अफरीदी कैसे मेंटर हैं, कैसे मोटिवेटर हैं, क्या वो इसको सिर्फ महज बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं या किसी को कुछ? मैं तो उनका बहुत मैं भी हूँ, वो मैं भी हूँ, हारे जीते उनके चेहरे से स्माइल नहीं करते, यस तो वो हर रोज स्माइल करते हैं। ऑब्वियसली आप दे रहे हैं ऐसा बिजनेस भी किया आपने, लेकिन आपने उसके पीछे जिसने टीम लिया उसके पीछे पैशन भी है। वो ये बात ना करें, मैं क्योंकि आप नौजवान खिलाड़ी हैं, मैं उस तरफ आपको नहीं लेके जाना चाहता कि आप पर बड़े बड़े बिजनेस मैन भी हैं, पर आप जावेद अफरीदी पर मेरे दोस्तों का सपोर्ट करने के लिए भी आप सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी कुछ करते हैं, इवन के वो शौकत खान के बच्चों के लिए जो कुछ किया या पेशावर के लोगों के लिए बच्चों के लिए जो भी जो कह रहे हैं, मेरे लिए तो एक वो बल्कि देखा जाए तो पूरी कौम के लिए मेंटोर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में
लाखों लोगों के पास अरबों रुपया है, ये मैं बड़े वसूल से कह रहा हूँ, लगाने की हिम्मत किसी किसी में होती है। अजी बाबा की तरफ आते हैं, अजी बाबा, अजी बाबा हम सारे प्यार से अक्रम भाई को जो उनके हेड कोच हैं उनको कहते हैं, कैसे इंसान, कैसे कोच है? हाँ बहुत अच्छी कोच है माशाल्लाह, जी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उनकी टीम में हूँ, लेकिन जब आप किसी के और उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान के कोचेज में भी कैपेसिटी है कि वो डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे वो बहुत काम कोच हैं, मतलब कोई उनको पैनिक नहीं करते किसी भी सिचुएशन में। और हमारी ऑब्वियसली टीम हमारी नीचे हम आफ्टर सेवन मैचेस क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बस यही कहा कि वो विन एज अ टीम, विन एज अ टीम, हम टीम में एक खेलते हैं तो हमने जितना भी एज अ प्लेयर और हारना भी एज अ प्लेयर, तो जस्ट गिव योर बेस्ट। तो उसमें भी वो जो थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज होती है तो प्लेयर में मसला होता है, प्लेयर से आगे बात करते थे मसला होता है, काफ़ी मतलब जब मुझे पहले कॉल भी की तो भी उन्होंने बड़े मुझे अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने यहाँ पर किया। मैं तो आपकी बॉल में लिफ्ट स्विंग भी है, इतने होपफुल थे कि आपको आयरलैंड और नॉर्थ इंग्लैंड में जगह मिल जाए। होपफुल तो बंदा होता ही है, हमारे यहाँ पे तो जो ना भी परफॉर्म करे वो भी होपफुल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने इस सीज़न इतना अच्छा परफॉर्म कराया था कि काफ़ी होप्स हैं अभी भी हैं, क्योंकि नहीं वो तो आजकल कह रहे थे हमने सिर्फ और सिर्फ यंग नौजवान हफीज़ कामरान अकमल उमर अकमल, दरअसल में अब तो बड़ों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, हालांकि बड़े बड़े लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, मतलब मेच्योर और एक्सपीरियंस को पता नहीं क्यों पिछड़ रहे हैं। आप 34 है फिर आप उम्मीद को बताया अगर आपने फिटनेस रखी है तो आई डोंट थिंक आपको आप देखें, तो मेन चीज़ तो ये ना कि आप ग्राउंड में किस तरह अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अगर आपने आपका जो एनर्जी लेवल है वो अगर कम नहीं होता तो आई थिंक छोटे जो फॉर्मेट्स हैं उनमें तो कंसीडर जरूर करना चाहिए। आप देखें अभी जो भी आप टूर्नामेंट देखेंगे आप जो सारे प्लस ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, पूरी बनी हुई है सियास, इवन ऑस्ट्रेलिया में तो उस वक्त तक है एक बैट्समैन को नेशनल कैप देते ही नहीं सकते, वो 15-20-25 हज़ार माइक्रो सीरीज के बारे में बताते हैं, तो 25 हज़ार फर्स्ट क्लास रन करके तो नेशनल टीम में आया था। तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला ठीक हो जाएगा जब थोड़ी सी अकल टिकाने आए, तो क्या होप्स हैं आपको अपने? होप्स तो शुरू से ही बहुत है, मतलब मेहनत इसीलिए नहीं छोड़ी क्योंकि वो तो आई डोंट थिंक कि मतलब आप अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो कोई आपको इस वजह से बैठ गया कि आपकी एज कम और ये भी मतलब वही चेंज ज़्यादा है। तो बाकी जो उनका जो भी माइंड सेट है सबका, ऑब्वियसली वो भी पाकिस्तान के लिए ही सोच रहे होंगे कि जी चलो नई टीम बनेगी अच्छा होगा, बाकी या बंदा भी डिपेंड करता है कि वो तरीके से जिसने डाल जब अल्लाह ने डालना हो तो ये मेरा काम तो वही है ना कि परफॉर्म करता रहूँगा, आगे ना आगे मौका अल्लाह ने दिया तो इंशाल्लाह उन्हें भी परफॉर्म करेंगे, और ना मिला तो फिर अल्लाह का आप उमैद की जो बातें सुन रहे हैं उसमें अल्लाह से लगाओ भी बड़ा वाज तौर पर सुन रहे हैं, तो मेहनत के साथ अल्लाह से लगाओ भी बड़ा ज़रूरी है, और बददिमागी जो है वो इंसान को ऐसे खा जाती है, बंदे को ऐसे गुमनाम कर देती है कि उसका नाम भी किताबों से भी होता है। एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना, आई मीन हम लोग सोचते हैं आजकल सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करना, मेरा मैंने क्रिकेट ही इसलिए स्टार्ट की थी एक्टिंग वाले तो ड्रामे ही है,
आप जब क्रिकेट में आते हो तो लोग आपको जानते हैं, तो आप सोशल वर्क आप करना पसंद करते हैं, तो एम यही है कि पाकिस्तान के लिए ऐसा कुछ करना है कि आपकी जनरेशन हमारी थी उनके लिए कुछ होगा। जैसे भी मैंने इशारा सोचा हुआ है कि एक स्कूल ऐसा बनाना जिसमें मतलब अब जैसे हमारे निसाब में उसमें अरबिक की देखी शायर ने कहा था कि मरूं तो किसी चेहरे में रंग भर जाऊं, नदीम काश कोई ऐसा ही काम करता। ये वो नौजवान है जिसने वो दिन भी देखे हुए हैं कि जिसको ये फिक्र होती थी कि शाम का खाना मिलना है या नहीं। ये वो नौजवान है जिसने अपना अखराजात पूरे करने के लिए लेंस बेचने की भी कोशिश की मगर हिम्मत नहीं आ रही, और आज उसकी ये ख्वाहिश है कुछ मुल्क के लिए करके जाऊं और एक ऐसा स्कूल बना के जाऊं कि जिसमें तमाम लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएँ एक ही जगह पर। ये जज्बे हर किसी में नहीं होते, ये जज्बे उन्हीं में होते हैं जिन्होंने बॉटम लाइन देखी है। तो नौजवानों, मेहनत किया करो और खुदा से लगाव लगा कर रखा करो। गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। अगर 34 साल में उमैद आसिफ जो है पेशावर जलमी का सुपरस्टार बन सकता है, आपके पास तो भी बड़ी उम्र भी बड़ी है, बड़ा मैदान भी पड़ा है, तालीम को भी जारी रखेंगे। ACC या चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोगों का ख्वाब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। जिस माहौलात MBA है, एजुकेशन फर्स्ट देन स्पोर्ट्स।